नागपुर में अश्विन जडेजा की धार, ढाई दिन में टूटा घमंड। टीम इंडिया ने तोड़ा बेईमानी पर चिल्लाने वाली नंबर वन ऑस्ट्रेलिया का घमंड। शमी के अंदर आ गई थी सूर्य की आत्मा, भारत के ऑलराउंडर से ही हार गए कंगारू। मैच के बाद क्या बोले जडेजा, जिसके बाद मिली सजा। 19 साल पुराने वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़कर शान से जीता हिंदुस्तान, भावुक हो गए कप्तान। रोहित शर्मा ने जीत लिया दिल, मैच से पहले जिससे ऑस्ट्रेलिया ने भारत को चैलेंज किया था वो नंबर वन टीम 3 दिन बाद ही घुटनों पर बैठ गई। भारत के शेरों ने 3 दिन में ऑस्ट्रेलिया की अकड़ तोड़ दी। पहले दिन जडेजा ने 5 विकेट लेकर 177 पर रोका था, आज अश्विन ने 5 विकेट लेकर 91 पर रोक दिया। भारतीय टीम ने 19 साल पुराना वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़कर टेस्ट क्रिकेट में बड़ी जीत हासिल की। मैच के बाद जडेजा ने ऑस्ट्रेलिया का मजाक उड़ाया, इसके बाद जडेजा पर जुर्माना तक लगा। अपनी पहली पारी में भारतीय टीम ने पूरे 400 रन बनाए थे, लेकिन शमी के अंदर सूर्य की आत्मा आ गई थी। इस मैच में सूर्य तो फ्लॉप थे, लेकिन शमी ने उन्हीं के अंदाज में जब लगातार छक्के उड़ाए, ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों को दिन में तारे दिखाई देने लगे। शमी ने 37 गेंदों की पारी में 30 छक्के और 2 चौके लगाए। शमी के नाम टेस्ट में 25 छक्के हो गए हैं, वो कोहली और युवराज से भी आगे निकल गए हैं। तीसरे दिन अश्विन ने शानदार 5 विकेट लेकर ऑस्ट्रेलिया की आंधी टीम को पवेलियन भेज दिया। जडेजा ने भी 2 विकेट लिए, आखिर के 2 विकेट शमी ने लिए। भारत ने इस मैच में ऐतिहासिक एक पारी और 132 रनों से जीत दर्ज की। दूसरी पारी में ऑस्ट्रेलिया सिर्फ 91 रनों पर आउट हो गई। भारत के सामने ऑस्ट्रेलिया का ये दूसरा सबसे कम स्कोर है। जीत के बाद जडेजा ने ऑस्ट्रेलिया का मजाक उड़ाया। जडेजा ने कहा, ऑस्ट्रेलियाई टीम के खिलाड़ी फ्लाइट में बैठने से पहले ही डर गए थे, क्योंकि उनके दिमाग में पिच का डर बिठा दिया गया था, इसका उन्हें खामियाजा भुगतना पड़ा है। इस मैच के बाद जडेजा पर जुर्माना लगाने का फैसला भी सुनाया। जडेजा ने बिना एम्पायर से पूछे गेंद पर क्रीम लगाई थी, इसलिए जडेजा पर मैच की 25% फीस काटने पर जुर्माना लगाया गया है। ऑस्ट्रेलिया इस वक्त रैंकिंग में नंबर वन टीम है, जबकि भारत टेस्ट में दूसरे नंबर पर है। जिस पिच पर ऑस्ट्रेलिया ने सवाल उठाए थे, उसी पिच पर रोहित शर्मा ने शतक लगाया। अक्षर पटेल ने 84 रनों की पारी खेली और रविंद्र जडेजा ने 70 रन बनाए और अंत में शमी ने भी 37 रन ठोक दिए। उसी पिच पर ऑस्ट्रेलिया दूसरी पारी में सिर्फ 30 ओवर खेल पाई और ऑस्ट्रेलिया की टीम 3 दिन में 2 बार ऑल आउट हो गई। मैच के बाद भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा भावुक हो गए और इस जीत को अपने जीवन की बड़ी जीत बताया। इस मैच में एक और मजेदार नजारा देखने को मिला। टीम इंडिया को जीतने के लिए 1 विकेट की जरूरत थी। जडेजा ने स्मिथ को बोल्ड कर दिया था। भारतीय टीम जीत का जश्न मनाने लगी थी, लेकिन तभी हम पाइलन इस बॉल को नो बॉल करार दे दिया। इसके बाद स्टीव स्मिथ को एक और मौका मिला, लेकिन शमी आए और विकेट लेकर भारत को ऐतिहासिक जीत दिला दी। भारत की